डिपिक्टेड जूनियर के ऑडिशन के लिए अब आप अपने बच्चे को कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप स्टोर से अपने एंड्रॉइड, आईफोन या आईपैड पर इंडियन आइडल ऐप डाउनलोड करें, अपने बच्चे का परफॉर्मेंस वीडियो अपलोड करें और ऑडिशन का मौका पाएं, या फिर www.myindianidol.com पर लॉग ऑन करें, अपने बच्चे के परफॉर्मेंस का वीडियो अपलोड करें और उसे दें ऑडिशन का सुनहरा मौका। इंडियन आइडल जूनियर के ऑडिशन के लिए आ रहे हैं हम आपके शहर। कोलकाता ऑडिशन 23 और 24 मार्च, दिल्ली ऑडिशन 30 और 31 मार्च, चंडीगढ़ ऑडिशन 6 अप्रैल, मुंबई ऑडिशन 13 और 14 अप्रैल। इंडियन आइडल जूनियर जल्द आ रहा है सिर्फ सोनी पर। एक मिनट भाई, अच्छा हुआ तुमने बताया। हेलो हेलो बकू। कौन बकू? मैं बकू। मैं क्यों बकू? वैसे आपके लिए तो मैं ही बकू। तो बोलो बकू, मेरा मतलब है बोलो भावेश। बकू, ये तेरा बकू पुराण खत्म हो गया? तो अब मुझे बताओ, तुम जो किटी पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा कर रही हो उसका तुम क्या करने वाली हो? अरे बक्कू, मैं जानता हूँ ये सीक्रेट है, लेकिन मुझे तो बता सकती हो ना तुम? अरे हम लोग ये, मैं आपको क्यों बताऊँ? बताओ ना बक्कू। मैं आपको नहीं बताऊंगी। अरे अरे बक्कू ने तो और टेंशन बढ़ा दिया, पता नहीं क्या करने वाली है। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं फंस जाऊंगा। वर्षा ताई, इडली वाले, ये डिक्शनरी में वर्षा ताई का मतलब ढूंढ रहा है? नहीं नहीं, डिक्शनरी में ढूंढ रहा हूँ। अरे इसको ये डिक्शनरी बोलते हैं? मतलब दुकानदार ने हमको डिक्शनरी दिया? अभोन, ये डिक्शनरी है, तू डिक्शनरी बोल रहा है क्या? तुझे वर्सटाइल का मतलब नहीं मालूम तो भूल जा पूजा जी को और वर्सटाइल को। तेरे को वर्सटाइल का मतलब मालूम है तो बता। हंस तो बोले। तो बता, बोल। बता। अरे बोलने तो दे। वर्सटाइल होता है ना, दोनों साथ में ढूंढते आ जा। वर्सटाइल। सॉरी सॉरी, ढूंढ। You turn mark. मिल गया, मिल गया। बहुमुखी योग्यता। अयो, ये क्या होता? मंद बुद्धि अबण। बहुमुखी योग्यता मतलब जिसको सब कुछ आता है। हमारे जैसा, हमको सब कुछ आता है। तुझे क्या आता है? पूरा दिन इडली पाव बेचता रहता है। इडली पाव नहीं, वही है। पूरा दिन सिस्टर के मिस्टर के साथ झगड़ा करता रहता है। अयो अयो अयो, मुंडी घुमा घुमा के पूजा जी के आगे पीछे घूमते रहता है। तुझे क्या तंबूर आता है? अयो गाटिया, तुझको क्या आता है? पूरा दिन पले विलान करके आगे पीछे घूमते रहता है। हम थोड़ा सा काम तो करता है, तू एक नंबर का बेकार, भंगार, बेरोजगार मानस है। मतलब हम दोनों में से कोई भी वर्सटाइल नहीं है? पूजा जी, वर्सटाइल आदमी से शादी करेगी? अयो, मतलब हमको वर्सटाइल बनना पड़ेगा। अरे तू क्या वर्सटाइल बनेगा? मैं बनूंगा बहुमुखी योग्यता वाला मानस। नहीं नहीं, हम बनेगा। तू क्या बनेगा, मंद बुद्धि? अरे हमको मंद बुद्धि। अयो, वैसे तो हम लोग रोज मिलते हैं, लेकिन पार्टी में मिलने का मजा ही कुछ और होता है। सॉरी। वो तो है, लेकिन अगर पार्टी में भावेश होते तो और मजा आता। पार्टी के लिए मजा बढ़ाना तो कोई भावेश से सीखे। भावेश मतलब भावेश। भाभी, किटी पार्टी में भी भावेश अन्ना को क्रेडिट, ये खाली आप ही कर सकते हैं। तो और कौन कर सकता है? गुड़ी भाभी, एक बात बताइए, ये जो पैसा जमा किए हैं वो का हम करेंगे का? मंजू भाभी, उन पैसों की ना हम किटी निकालेंगे। देखिए, आज हम एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, बातें करते हैं, फिर जब पैसे आ जाएंगे ना तो हम किटी निकालेंगे, और जिसकी किटी निकली उसके पास पैसे चले जाएंगे, राइट? हाँ, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर बाकी सबका का होगा? अयो, इसको बंद करो कोई। एक मिनट, देखो एक एक करके सबका नंबर आएगा। इस महीने मेरा नंबर आया तो अगले महीने आपका नंबर आएगा,
तो उसके बाद के महीने इनका नंबर आएगा, ऐसे करके सबको पैसे मिलेंगे। हाँ, जैसे हमारा वो बीसी में होता है, करेक्ट गुनी? रजनी भाभी ये भी वही है, पर इसमें ना हम वीसी निकालने के साथ साथ पार्टी भी करते हैं, इसलिए इसे किटी पार्टी कहते हैं, राइट? अब समझी मंजू भाभी? नहीं। मतलब ये कि ये हम औरतों की बैंक है और हम इसमें हर महीने पैसे जमा करते हैं और वो सारे पैसे मिलाकर हम हर महीने किसी एक को दे देते हैं, आप समझिए आप। हाँ, वेरी नाइस। इसका मूड बिजी रखना पड़ता है, नहीं तो कुछ और पूछेगा अभी। मैं ना आप सबके लिए कुछ लाई हूँ, अभी लाई। गिफ्ट होगा, हमें गिफ्ट बहुत पसंद है। कौन जाती है? हमारी पहली किटी पार्टी के लिए मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाई हूँ, ये लो। अपने पति का दिल कैसे जीते? अपने पति का दिल कैसे जीते? भाभी ये बुक कुछ 10-15 साल लेट नहीं हो गया? भैया आपका हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको वर्षा टाइल बनना है। कौन सा टाइल? वर्षा टाइल। वर्षा टाइल? हाँ वही वही। वो सब ठीक है, लेकिन ये सब क्यों करने का है? आपका हम वर्षा टाइल बनेगा तभी तो कोई हमसे प्यार करेगा। पक्का? हमारा उम्र देखो, आपको नहीं लगता हमको किसी के प्यार की जरूरत है? क्या बोलता, तुमको नहीं लगता कि तुम्हारा अक्का तुमसे प्यार करता है? हाँ? कि कौन नहीं का इतना लोग तुमसे प्यार करता है, वो गली का कुत्ता भी तुमसे प्यार करता है। अक्को! हमको आपके प्यार पे, कुत्ते के प्यार पे डाउट नहीं है। तो फिर हमको ऐसा नहीं, हमको वैसा प्यार चाहिए। वैसा प्यार मतलब? हमारा दिल टूट जाएगा, हमारा दिल का बात समझो अक्का। हेलो कन्ना, तुम हेलो कन्ना, हमारा कन्ना कॉमेडी हीरो से रोमांटिक हीरो बनना चाहते हैं, यानी तुम्हारे मन में ऑलरेडी कोई लड़की के लिए प्यार है। जैसे तुमको पता चल जाए और जैसे ही तुम रेडी हो, अपना आका को सबसे पहले बताना, फिर देखना कैसा बैंड बाजा बारात के साथ हम अपना कन्ना का बारात निकालते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा टाइम प्लीज। क्या है ना, ये सब बताओ, हमको ना स्वामी का स्वागत का तैयारी करने का। अयो, सिस्टर का मिस्टर पीटेगा, पीटेगा, पीटेगा। जब देखो मजाक करते हैं, अंदर जाओ। आज हम स्वामी को ऐसा खुश करेगा कि वो हमसे और भी प्यार करने लगेगा। अपने पति का दिल जीतना है तो उसकी हर बात हंसकर सुनो, आपकी हंसी देखकर वो भी खुश हो जाएंगे। अपने पति की हर बात की तारीफ करो, फिर चाहे वो बात आपको पसंद हो या ना हो, पति के घर वालों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलो। मिश्राइन जी, मिश्राइन जी। हेलो, अरे हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ के आए और आप यहाँ बैठी हैं। उनसे आप इतने परेशान काहे दिख रहे हैं? अरे मिस राइन जी, हम परेशान हैं तो परेशान ही दिखेंगे ना, आपको मालूम है हमको जिस काम का आज पैसा मिलने वाला तो नहीं मिला है। अरे पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ,
आप बिना पैसों के ही तो कमाल कर देते, आपकी तो बात ही निराली है, बात ही निराली है। अरे क्या बोल रही हैं आप? आपको पता है आज हमने अपने बड़े भैया से भी पैसा मांगा, लेकिन उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया हमको पैसा देने से। अरे आपका परिवार तो बहुत ही अच्छा है, भगवान करे हर किसी को ऐसा परिवार मिले। और आपके बड़के भैया वो तो साक्षात राम है। राम कहाँ का राम, कैसे राम? आपको पता है वो हमको गधा समझते हैं, उनको लगता है कि हमको तो रत्ती भर भी अकल नहीं है, हमको पैसे देने से साफ ही मना कर दिया है। और हाँ, कान खोल के एक बात सुन लीजिए, अगर आज के बाद हमारे सामने हमारे बड़े भैया की तारीफ की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम जुबान दे रहे हैं। काहे हंस रही हैं आप? उनसे पूछ के बताएंगे। नानका, क्या खाना बनाया बकू ने? तो भाई गुलाब जामुन। वाह, उस बुक में लिखा था कि अपने पति को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, जितना पति का पेट भरेगा उतना ही ज्यादा वो आपसे प्यार करेगा। हाय हाय, क्या हुआ? ये क्या भावेश, आपने गुलाब जामुन तो खाया ही नहीं। अरे गुलाब जामुन नहीं खाया बक्कू, तो क्या जादू से बोल खाली हुआ? खाया मैंने, लेकिन मेरे हाथ से कहाँ खाया? मैं अपने हाथों से आपको गुलाब जामुन खिलाऊंगी। नहीं नहीं बक्कू, नहीं। खाइए खाइए मोटा भाई, अभी कितने प्यार से खिला रही है, खाइए ना। अरे लेकिन इतना प्यार मुझसे हजम नहीं होगा। हो जाएगा हजम भावेश। नहीं नहीं बक्कू, प्लीज मेरे हाथ। बुक में लिखा था पति को कविता सुनाकर उसका दिल रिझाना चाहिए। पियोर, मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी है। कविता? अरे गुणी, तुम कविता लिखती हो ये तो हमें पता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था मोटा भाई, आज ही पता चला कि मैं कितनी क्रिएटिव हूँ। हाँ सुना? हाँ सुना ना। हे पियोर्स, हे पियोर्स, वावा, वावा, हाँ। हे पीयूष, मैं हूँ तुम्हारा बाण और तुम हो मेरे धनुष। अरे वाह धनुष, वाह। तुम मेरे दिल के समुद्र में डुबकी लगाते हो। वाह वाह। मेरे सपनों की नदी में नाव चलाते हो। चपक चपक। मेरे मन के बगीचे में खिले हैं तेरे प्यार के आम। ओ, 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 ओ। तेरे प्यार का रस जैसे गरम गरम गुलाब जाम। कैसी लगी, कैसी लगी? बल्ला बल्ला। कमाल है। गुणी, आज के लिए तो ये कविता का पाठ बहुत है। हाँ, मुझे पता था तुम्हें अच्छी लगेगी। अब ना मैं तुम्हें पूरी रात मेरी प्यार भरी कविताएं सुनाऊंगी। ओके, आप यहाँ देखिए, यहाँ। अरे वाह बोला। और गुलाब जामुन खाई? नहीं बकू, बहुत बहुत नहीं बकू, बकू नहीं काट ली, अभी नहीं काट। ये बुक में लिखा था कि अपने पति का इतना सेवा करो ये वो तुम पे फिदा हो जाए। थैंक यू। वणक्कम स्वामी, आपके घर में आपका स्वागत है। बोलो, हम आपका क्या सेवा करें? अयो, हम कहीं गलत घर पे तो नहीं आ गया? ये आपका ही घर है। बोलो ना स्वामी, क्या ले गए? चाय, कॉफी, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक्स? रजनी, तुम मजाक तो नहीं करता ना? अयो नहीं स्वामी, हम बहुत सीरियस हैं, हम मजाक नहीं करते हैं। बोलो ना, क्या सेवा करें, क्या खाएगा, क्या पिएगा? रजनी, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? हमसे कुछ गलती हो गया होगा तो माफ कर दो। चाचा स्वामी, ऐसे क्यों बोलता है? आज तक हमसे गलती हुआ, हम आपका वैल्यू समझा ही नहीं। बोलो क्या सेवा करते? अयो रजनी, तुम क्या करता? अयो, ये रजनी सर का फोटो किसने निकाला? रु,
रुको रुको, हम अभी लगा था। स्वामी स्वामी, अभी से यहाँ रजनी सर का नहीं आपका ही फोटो लगेगा, क्योंकि आप हमारा हीरो है, हमारा सुपर हीरो है। हाथ लग गया स्वामी। अक्का ये ऐसे नहीं उठेगा, तो फिर इसको डांटो। ओके, ये तो बहुत आसान है। सर ये हीरो स्वामी, सीधे सीधे उठ जाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं आएगा। थैंक यू रजनी, थैंक यू, तुमने हमको माफ कर दिया, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों को प्यार अजम नहीं होता है। अब कैसा एकदम नॉर्मल लगता है। नॉर्मल लगता है ना, जो बर्तन धो दो। आप भी धोता रजनी, आप भी। या बर्तन धोएंगे, कपड़ा धोएंगे। हमारे लिए कॉफी बनाओ। 7 किलो मिर्च। पति के साथ हंसी मजाक करो, उन्हें जोक सुनाकर उनका मन रिझाओ। सुनिए जी, सुनाओ। ये किताब बंद कीजिए ना। क्यों? मैं थारे को एक जोक सुनाना चाहती हूँ। हैं? तू मारे को जोक सुनाएगी? हाँ। आज ये लाल मिर्च में से धनिया की खुशबू कैसे आई टोटल मार के? हैं? अच्छा सुनिए तो। सुनाओ। एक बार एक आदमी अमरूद के पेड़ पर बैठा था और दूसरा आदमी नीचे से जा रहा था, तो उसने उसे देखकर पूछा कि तुम अमरूद के पेड़ पर बैठकर क्या कर रहे हो? तो पहला आदमी बोला मैं अमरूद के पेड़ के ऊपर बैठकर आम खा रहा हूँ। तो दूसरे आदमी ने बोला कि अमरूद के पेड़ पर कोई आम कैसे खा सकता है? तो पहले आदमी ने पता है क्या जवाब दिया? उसने बोला मैं आम अपने घर से लेकर आया हूँ। अब दूसरा जोक। एक बार एक चींटी हाथी के घर गई। अरे आप रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, मारे जोक कितने बुरे थे क्या? ना भागे होते ना। अरे थारा जोक तो बहुत ही चोखा, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल मारा है बीबी मसाले की तरह टोटल मार के। फिर आप रो क्यों रहे हो? क्या करूं भागे होती, आज पहली बार तू मैंने जोक सुनाया है, तारा जोक इतना बढ़िया है कि मारे को खुशी हो रही है और खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए रोना आ रहा है। देखो मैं थारे को रोते हुए नहीं देख सकती, शांत हो जाओ। देख सकती हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती तुम्हें रोते हुए। देख सकती हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती तुम्हें रोते हुए। नहीं देख सकती तुम्हें रोते हुए। हमारी मांगो। क्या कर दिया? क्या किया? अरे 3 दिन का खाना 1 दिन में खिला दिया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है बक्को। हे कृष्ण भगवान, राम भगवान, सीता माता, अम्मा माता, पार्वती माता, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे जल्दी, मेरे पास पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उनके पेट में दर्द क्यों कर रहा हूँ? हे भगवान। ये बकू कुछ दवा लेके आओ जल्दी। नहीं, आपको दवा की नहीं तो सोडा की जरूरत है। इतने वहाँ मिलाए। इन्हीं राइटर जूनियर के
ऑडिशन के लिए अब आप अपने बच्चे को कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप स्टोर से अपने एंड्रॉइड, आईफोन या आईपैड पर इंडियन आइडल ऐप डाउनलोड करें, अपने बच्चे का परफॉर्मेंस वीडियो अपलोड करें और ऑडिशन का मौका पाएं, या फिर www.myindianidol.com पर लॉग ऑन करें, अपने बच्चे के परफॉर्मेंस का वीडियो अपलोड करें और उसे दें ऑडिशन का सुनहरा मौका। इंडियन आइडल जूनियर के ऑडिशन के लिए आ रहे हैं हम आपके शहर। कोलकाता ऑडिशन 23 और 24 मार्च, दिल्ली ऑडिशन 30 और 31 मार्च, चंडीगढ़ ऑडिशन 6 अप्रैल, मुंबई ऑडिशन 13 और 14 अप्रैल। इंडियन आइडल जूनियर जल्द आ रहा है सिर्फ सोनी पर।